मक्के जाके मुसलमान अत्तवादी नहीं बनता, कटास मंदिर के दर्शन करके हिंदू अत्तवादी नहीं बनता, फिर असी करतारपुर साहब दर्शन करने तो बाद वापस अपने मुल्क आके अत्तवादी किवें बन गए। यह कहना है श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह का। जे मक्के की जियारत करने तो बाद मुसलमान अत्तवादी नहीं बनता, कटासराज मंदिर के दर्शन करने तो बाद हिंदू अत्तवादी नहीं बनता, यरूशलम के दर्शन करके वापस अपने देश गए ईसाई अत्तवादी नहीं बनते, फिर असी करतारपुर साहब के दर्शन दारे करने तो बाद अपने मुल्क वापस जाके अत्तवादी किवें बन गए। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता के बयान ने सियासत के नाल नाल धर्म के पैरोकारां च भी बड़ी चर्चा खड़ी कर दिती है। DGP साहब ने बयान दिता सी कि करतारपुर साहब जाने वाली संगत शाम नूं अत्तवादी बन के आ सकती है, जिस दे चलदे जिथे अकाली दल अते आम आदमी वर्गियां पार्टियां गुप्ता खिलाफ जंग विढ़न नूं तैयार बैठियां ने। उत्ते ही पाकिस्तान विखे धार्मिक समागम विच पहुंचे श्री अकाल तख्त साहब दे कार्यकारी सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने DGP दे बयान दी सख्त शब्दां च निखेधी कीती। सिंह साहब ने गुप्ता नूं करारा जवाब दिंदिआं खूब शब्दी व्यंगमई वार कीते, नाल ही भारत सरकार तों गुप्ता खिलाफ कार्रवाई दी मंग भी कीती। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिहड़ा पंजाब दे DGP दा बयान आया है बहुत ही मंदभाग्या बयान है। अज असी श्री दरबार साहब श्री करतारपुर साहब विखे खड़ोते हैं ते दर्शन दारे कर रहे हैं। इत्थे सवाई प्यार मुहब्बत और गुरु साहब के पावन अस्थान के दर्शनों तो सानूं कुछ भी नहीं मिलिया। लंगर छकिया बहुत अच्छे प्रबंध है, ऐसी कोई गल नहीं है इस अस्थान के उत्ते जिहड़ी सानूं अत्तवादी बनाउंदी होवे। जे मक्के की जियारत करन तो बाद मुसलमान अत्तवादी नहीं बनता, कटासराज मंदिर के दर्शन करन तो बाद हिंदू अत्तवादी नहीं बनता, यरूशलम के दर्शन करके वापस अपने देश गए ईसाई अत्तवादी नहीं बनते, फिर असी करतारपुर साहब के दर्शन दारे करन तो बाद अपने मुल्क वापस जाके अत्तवादी किवें बन गए। जे गुरु घर के दर्शन दारे करना सानू अत्तवादी बनाउंदा है, फिर इहो जिहे अत्तवादी गुरु घर के दर्शन करके असी 100 वारी बनना पसंद करांगे। ये बहुत ही माड़ा बयान है, भारत सरकार को DGP के उत्ते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। इसने दुनिया भर के वास्ते सिखां दे मनां नूं नहीं बल्कि उन्हां लोकां दे मनां नूं भी ठेस पहुँचाई है जिहड़े अमन चाहुंदे है, शांति चाहुंदे है। ये एक किस्म का बहुत ही बेतुका निखेधी भरपूर जिहड़ा बयान है, असी इहदी निंदा करते हैं। भारत सरकार नूं कार्रवाई जिहड़ी है भारत सरकार नूं करनी चाहिए है। असी 3 दिन तो 4 दिन तो पाकिस्तान के अंदर है, पंजा साहब जाके आए हैं, ननकाणा साहब जाके आए हैं, डेरा साहब जाके आए हैं, सच्चा सौदा जाके आए हैं। सानू कहते सिर्फ प्यार मुहब्बत स्थानक लोगों का स्नेह मिलया है, इस करके अजिही कोई गल नहीं है। मैं सारे सिखां नूं बेनती करना चाहुंदा कि आओ करतारपुर साहब के दर्शन दीदारे करो, अपने बच्चों नूं लैके आओ। वाहिगुरू जी का खालसा। उधर जो सिख संगत करतारपुर तो वापस आ रही है उन्होंने वालों भी DGP के इस बयान की निंदा की जा रही है। मैं बेनती करना कि जो DGP साहब ने बयान दिता बहुत ही घटिया बयान है, बहुत ही निंदनयोग बयान है, क्योंकि जरा इन्होंने कहा कि उधर आधार कार्ड से लोग जाएंगे तो वो अत्तवादी बन के आएंगे, ये तो कोई यहोजी तो कोई गल नहीं। लोग तो बड़ी श्रद्धा ना जा रहे हैं, बड़े चिर तो अरदासा कर रहे हैं कि महाराज साढ़े करतारपुर जो लांघा वा खुले सू लांघा मिले तो आप दर्शन मिले करके आईए, तो ये बहुत निंदनयोग बयान आ। इदा का बयान नहीं देना चाहिए DGP साहब को, जो DGP साहब ही इदा बयान देने तो आम जी पब्लिक आदा बोलेगी की करेगी। वो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी। चकदे TV नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।